श्रीनगर के हैदरपोरा में जारी सेना के ऑपरेशन में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि दो मददगारों के भी सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया है। यह भी बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में से एक बिलाल भाई पाकिस्तान का रहने वाला था, दूसरा बनिहाल का। ये हाईटेक आतंकी मॉड्यूल बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों से सुरक्षा बलों ने 9 कंप्यूटर, 2 पिस्तौल और 3 मैगजीन समेत कई सामान बरामद किए हैं। तो आपको बता दें, मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तान का बताया जा रहा है। कमल जी संधु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमल जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, यह ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? देखिए, ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन ये बीच रात को खत्म हुआ है। एक हाईटेक मॉड्यूल है जहाँ पे वीओआईपी एनेबल कॉल सेंटर यानी 9 कंप्यूटर के द्वारा वहाँ पे हाइड आउट चलाया जा रहा था। वहाँ पे मैप मिले हैं यूएस के, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉल्स किए भी जा रहे थे और यहाँ से जा रहे हैं। और एक जो कैमोफ्लाज है यानी दिखाने के लिए तो कॉल सेंटर है, पर असली काम आतंकियों का एक अड्डा है, उसे वो बनाया गया है। काफी रिकवरीज हुई हैं, जिसमें से 2 पिस्टल हैं, जिसमें 3 मैगजीन्स हैं, 6 फोन हैं, डायरीज हैं, ड्रग के बॉटल्स हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो विंटर का मटेरियल है, चाहे वो बूट्स हो, बाकी सामान है, वो भी पाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 आतंकी हैं, उनमें से 2 हैं, एक बिलाल भाई है जो कि पाकिस्तान का है, और दूसरा आमिर है जो कि बानिहाल से है। एक मुदस्सर है और एक अल्ताफ है जो कि बिल्डिंग के ओनर है, और फैमिली का कहना है कि वो इनोसेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये दोनों ही हार्बरर थे, दोनों को पता था कि किस तरह से आतंकवादी घटनाएं वहां पे चल रही हैं, किस तरह का मॉड्यूल वहां पे चल रहा है, और इसी वजह से वो पूरा एरिया है वो सील कर दिया गया है और जांच इस वक्त चल रही है।